गहराइयां को लेकर दीपिका पादुकोण का बयान सामने आया है और क्या कुछ दीपिका पादुकोण ने कहा है। दरअसल दीपिका पादुकोण कहती हैं कि वो अपने कैरेक्टर से खुश नहीं थी। क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी हाँ, गहराइयां जो कि दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चक्रवर्ती की ये फिल्म रही है और इस फिल्म के बाद में इतना कुछ खास रिस्पॉन्स इस फिल्म को नहीं मिला, साथ ही कॉन्ट्रोवर्सीज में भी घिर गई ये फिल्म। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण का एक स्टेटमेंट सामने आया है जहां पर वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि वो अपने कैरेक्टर से ज़्यादा खुश नहीं थी, वो सहमत नहीं थी उस कैरेक्टर के विचार से, क्योंकि वो ऐसे रियल लाइफ में ऐसे विचार नहीं रखती और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कैरेक्टर को ना पसंद करें और इसके विचारों से सहमत ना हो, साथ ही बहुत सारी गलतियां भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बस अपने कैरेक्टर के साथ में अपनी ऑनेस्टी बता रही थी और सिर्फ मुझे उस कैरेक्टर को अच्छे से करना था। तो ये सारी चीज़ें जो है दीपिका पादुकोण कहती हैं, साथ में ये भी कहती हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे कैरेक्टर्स होते नहीं हैं। तो दीपिका पादुकोण का कहना था कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से निभाना चाहती थी। तो ये सारी बातें जो है दीपिका पादुकोण कहती हैं। वेल, मैं आपको शॉर्ट में इस की पूरी समरी बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो मूवी में जो दीपिका पादुकोण होती हैं उनको अपनी बहन के मंगेतर से प्यार हो जाता है, जबकि दीपिका पादुकोण ऑलरेडी शादीशुदा होती हैं। तो इसमें जो है ये इसी के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी है जहाँ पर अब दीपिका पादुकोण ने ये चीज़ कही है कि वो अपने कैरेक्टर से ज़्यादा खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। जानना चाहूंगे आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपको कैसी लगी गहराइयां जरूर बताइए और दीपिका पादुकोण की बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड प्लस टेलीविजन से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।